यह खबर यमुनानगर से। 3 दिन से रुक रुक कर बारिश होने के कारण शहर के अंदर और शहर से बाहर निकलने वाले मार्गों पर पानी भरने और सड़कों पर गड्ढे होने के कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, जिसके कारण लोगों को आने जाने की भारी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार सुबह से ही वाया शादीपुर से यमुनानगर करनाल जाने वाले मुख्य मार्ग पर प्लाईवुड फैक्ट्रियों में लकड़ी लेकर आने जाने वाले ट्रॉलियों व ट्रकों के चलते भारी जाम लग गया और कई घंटे जाम के बाद भी खुलने की स्थिति में नजर नहीं आया। कई किलोमीटर तक जाम लगने से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या नाम है? अनीश। कब से लगा अनीश ये जाम? जाम सर ये सुबह 9:30 बजे से लग रहा है जी। किस वजह से लगा है जाम? ट्रॉलियों की वजह से, ट्रैक्टर की वजह से और ट्रक की वजह से जाम लगा हुआ है। कोई खुलवाने नहीं अभी तक? सर बुलाने तो बस कोई आता ही नहीं जी सर, प्रशासन भी ऐसे ही है जी बस। अक्सर जाम लगता है यहाँ? जाम अक्सर सर बरसात के बाद ही लगता है, जो बरसात हो जाती है तो साइडें जो कच्ची होती हैं वो कच्ची होने की वजह से, उसकी वजह से जाम लगता है। रोड ख़राब होने की वजह से जाम। तो अब ये कितनी देर से लगा हुआ है जाम? सर ये अब आप लगा लो अब 10:30 हो गए, कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया।